नमस्कार, दिन की बड़ी खबरों का पंचनामा लेकर हाजिर हैं हम पांच एंकर्स। तमाम दिन की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बांग्लादेशियों की पहचान पर ऐसा ज्ञान दिया है कि वो विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। बिल्कुल, पंचनामा में स्वामी रामदेव की भी बात होगी। छात्रों को उन्होंने नसीहत दी है कि जिन्ना वाली आजादी के नारे से वो बचें। आगे जरूर देखिएगा पूरी खबर। और शिवसेना एनसीपी के कई बड़े नेताओं के फोन टैपिंग के मामले के बाद महाराष्ट्र की पूरी सियासत गर्मा गई है, इस खबर पर भी रहेगी हमारी नजर। और मुंबई में ही कोरोना वायरस के दो संदिग्ध मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया, ये दोनों चाइना से लौटे थे, पूरी खबर दिखाएंगे आगे। तो चलिए पंचनामा की शुरुआत करते हैं। कपिल मिश्रा के विवादित ट्वीट पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा तो उन्होंने एक और विवादित बयान दे दिया। सीएए के विरोध में शाहीन बाग में चल रहा प्रदर्शन दिल्ली चुनाव की सियासत का केंद्र बन गया है और अब इस दंगल में आतंकवाद का एंगल भी आ गया। शाहीन बाग जैसे गुंडों, शाहीन बाग जैसे आतंकी मूवमेंट जो जबरदस्ती हमारे ही संविधान का फायदा उठाकर हमें ही अपना गुलाम बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, चारों तरफ से दिल्ली को बंद कर देने की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको जवाब देना जरूरी है और हम चुप नहीं बैठेंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने मॉडल टाउन सीट से बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा को नोटिस जारी कर उनके ट्वीट पर जवाब मांगा था, जिस पर कपिल मिश्रा ने कहा कि वो सत्य पर अडिग हैं। उधर शाहीन बाग के प्रदर्शन को लेकर कपिल मिश्रा के हमले का डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया। 8 तारीख को चुनाव होगा और 11 तारीख को रिजल्ट आएगा। मैं एक भारतीय होने के नाते बहुत फख्र महसूस करता हूँ कि 11 तारीख को जीतेगा तो भारत ही, अब उनको तय करना है कि वो पाकिस्तान बनेंगे क्या। इस राजनीतिक हमासान के बीच खबर है कि दिल्ली चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद चुनाव आयोग ने ट्विटर को कपिल मिश्रा का ट्वीट डिलीट करने का निर्देश दिया है। और अब रुक अगली अहम खबर का करते हैं। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में आजादी के नारे लगाने वाले छात्रों को योग गुरु रामदेव ने नसीहत दी है। सीएए के विरोध में अलीगढ़ जेएनयू जामिया जैसे विश्वविद्यालय जंग का मैदान बन गए हैं। प्रदर्शन के बीच हिंसा हुई जिसे योग गुरु रामदेव ने देश के लिए खतरनाक बताया है। साथ ही उन्होंने छात्रों को जिन्ना वाली आजादी की सोच से बचने की नसीहत दी है। जब गांधी वाली आजादी की बात होती है तो समझ में आती है बात, जब नेहरू और भगत वाली आजादी की बात होती है तब भी बात समझ में आ जाती है, लेकिन जब जिन्ना वाली आजादी के नारे लगते हैं सरासर देश के साथ धोखा और गद्दारी। इसके साथ ही रामदेव ने नागरिकता कानून को लेकर विपक्षी दलों के हमलों पर भी सवाल उठाए हैं। वो विरोध करें, वो जन आंदोलन करें, ये विपक्ष की भूमिका होती है और उनका अधिकार भी है, लेकिन थोड़ा धीरज रखें। और क्या किसी के खाने के तरीके से उसकी नागरिकता का पता चल सकता है? सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पोहा खाने के तरीके से बांग्लादेशियों को पहचानने का दावा किया है। रात को 9 बजे आया, मैं सीधे अपने रूम पे गया तो उसके सामने उसका रूम बंदा था, वहां पर एक थाली के अंदर 6-7 मजदूर इतने सारे पोहे, मतलब कम से कम 10 प्लेट एक थाली में पोहे खा रहे थे। पूरी क्यों खा रहे थे? मैंने अपने सरवन को बताया, एक तो नहीं वो रोटी होती है, उधर से रोटी खाती क्यों, मतलब ये पोहे खाते हैं बस। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी दावा किया कि 1.5 साल से एक बांग्लादेशी उनकी रेकी कर रहा था, लेकिन इस संबंध में उन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। कैलाश के इस बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ परेशानी यही है, वो कपड़ों से, भाषा से, खाने से ही पहचान स्थापित करना चाहते हैं। अरे कैलाश विजयवर्गीय साहब, अगर इतनी गंभीर घटना थी तो क्या गृह मंत्री जी को कहा आपने? आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय में एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल चर्चा है कि नागरिकता संशोधन कानून लखनऊ विश्वविद्यालय के सिलेबस में शामिल किया जा सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव से पहले विश्वविद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता कराई जाएगी, इसके बाद इसे यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में शामिल किए जाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। मायावती ने ट्वीट किया, सीए पर बहस तो ठीक है लेकिन कोर्ट में इस पर सुनवाई जारी रहने के बावजूद लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इस अति विवादित व विभाजनकारी नागरिकता कानून को पाठ्यक्रम में शामिल करना पूरी तरह से गलत व अनुचित है। बीएसपी इसका सख्त विरोध करती है तथा यूपी में सत्ता में आने पर इसे अवश्य वापस ले लेगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे जनता का ध्यान बांटने की साजिश बताया। जनता का ध्यान बांटने के लिए
विश्वविद्यालय के में नए कोर्स की शुरुआत करने का काम हो रहा है। और अब दिन की एक और बड़ी सियासी खबर, महाराष्ट्र और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने सामने है। मुद्दा है फोन टैपिंग का, जिसका आरोप खुद प्रदेश के गृह मंत्री ने लगाया है। करीब 2 महीने पहले उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम बने, अब आरोप सामने आया कि सरकार में शामिल दिग्गज नेताओं की फोन टैपिंग हो रही थी। आरोप है उद्धव ठाकरे और शरद पवार समेत कई नेताओं के फोन टैप किए गए। महाराष्ट्र सरकार ने इसकी जांच का आदेश दिया है। मोबाइल द्वारा जो संभाषण इनका जो चालू था हमारे नेताओं का, कांग्रेस राष्ट्रपति उनका संभाषण सुनने का काम और उसका राजनीतिक फायदा उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के टाइम हुआ है, उसकी हमने जांच चालू की है। उधर संजय राउत ने भी नेताओं की फोन टैपिंग के अनिल देशमुख के आरोपों का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी आदत हो गई है गृह मंत्रालय को, जो अपने विरोधी है उनके ऊपर नजर रखे, उनकी फोन की जो बातें होती है वो सुने, लेकिन फोन टैप करने के बावजूद भी महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनी है। और शिवसेना एनसीपी नेताओं के फोन टैपिंग के आरोप को बीजेपी गलत बता रही है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने कार्यकाल में फोन टैपिंग के आरोपों का खंडन किया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सरकार जिस माध्यम से जांच करना चाहे कर सकती है। मेरे कार्यकाल में गृह मंत्री शिवसेना के थे, इसराइल जाकर भी अगर इस मामले की जांच करानी हो तो कराई जाए। उधर फोन टैपिंग के आरोपों पर शिवसेना भी बट गई है। पार्टी नेता और राज्य के पूर्व गृह राज्य मंत्री दीपक केसरकर ने इस बहाने कांग्रेस के दौर में लगने वाले आरोप का जिक्र किया। ऐसा होता है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद, लेकिन शिवसेना के फोन तो कांग्रेस के रेजिम में भी टैप हो रहे थे, ये भी ऐसा कहा जाता था, मुझे उसके बारे में ठीक से पता नहीं है, लेकिन ये तो आरोप बनता ही था। बड़े पंचनामा में आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। एबीपी न्यूज पर प्रधानमंत्री सीरीज 2 का आगाज शनिवार रात 10 बजे होने वाला है। आपको दिखाते हैं इंदौर का एक ऐसा कोचिंग सेंटर जहां प्रधानमंत्री सीरीज 1 के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप लोग एपिसोड नंबर 1 देकर आए हैं? आप लोग उस टेस्ट के लिए तैयार हैं? यस सर। ये छात्र सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। इंदौर के समाधान एकेडमी में ये छात्र इतिहास और राजनीति की तैयारी एबीपी न्यूज के प्रधानमंत्री सीरीज 1 को देखकर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सीरीज जो है हमें 1947 से लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक के सारे इवेंट्स को विजुअलाइजेशन से बताता है, और जब भी हम कुछ चीज़ें देखते हैं, इमेजिन करते हैं और फिर उसको समझते हैं तो हमें काफ़ी समय तक याद रहती है।